निधि बहुत ही सीधी साधी सी लड़की थी जिसके पिता अयोध्या में हलवाई की दुकान चलाया करते। निधि को घर का सारा काम आता था और जब उसके पास समय बच जाया करता तो अपने पिता की मदद करने उसकी दुकान पर चली जाया करती। एक दिन वो अपने पिता राम खिलावन के लिए खाना लेकर जाती है। पिताजी मैं खाना लेकर आई हूँ, खा लीजिए। अरे तूने क्यों तकलीफ की मेरी बच्ची, मैं दुकान से कुछ खा लेता। मुझे तो लगा था तेरी माँ के जाने के बाद बिन माँ की बच्ची को मैं कैसे संभालूंगा, और देखना तूने ही मुझे संभाल लिया। आपको अगर माँ को याद करके रोना है ना तो खाना खाने के बाद रो लेना, अभी खाना ठंडा हो रहा है, पहले वो खा लीजिए। निधि की ये बात सुनकर राम खिलावन अपने आंसू पोंछकर खाना खाने लगता है और दो रोटी बच जाती है, जिसे देखकर वो कहता है, अरे तुझे पता है ना कि मैं चार रोटी खाता हूँ, तो फिर तू ये दो रोटी ज्यादा लेकर क्यों आई? वो अगर रोटी कम पड़ गई और आपको ज्यादा भूख लग गई तो बस इसीलिए। अच्छा चल एक काम कर, राहुल को ये रोटी और सब्जी खिला दे, उसका भी पेट भर जाएगा। मैं थोड़ा टहल कर आता हूँ, तू दुकान का ध्यान रखियो। राम खिलावन ये बोलकर बाहर टहलने चला जाता है, जिसके बाद निधि राहुल को गले लगाकर कहती है, अब भी गुस्सा हो क्या आप मुझसे? अब से मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगी, अब तो गुस्सा थूक दो ना। मैं तुमसे नाराज नहीं, बस परेशान हूँ। तुम्हारे पिता कितने बड़े हलवाई हैं, और देखो तुम मुझ जैसे कारीगर से प्यार करती हो, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। राहुल ने ये बोला था कि तभी पड़ोस की रत्ना उन्हें देख लेती है, जो कि राम जी के प्रसाद के लिए बूंदी लेने आई थी, और शोर मचाते हुए कहती है, अरे देखो देखो मोहल्ले वालों, हमें तो लगता था राम खिलावन की बस मिठाइयों पर ही कीट पतंगे लगते हैं, यहाँ तो उसकी बेटी से भी जोक चिपका है जोक। रत्ना बात का तमाशा बना देती है और सब जगह राहुल और निधि की बदनामी कर देती है। राम खिलावन भी ये देखकर राहुल पर हाथ उठा कर कहता है, तुझे मैंने अपना माना और तूने ही मेरे पीछे ये सब किया, निकल जा मेरी दुकान से और दोबारा शक्ल मत दिखाइयो अपनी। और बेटा तू, तूने भी ऐसा किया? लोग सच कहते हैं, एक बाप अपनी बेटी को बिना माँ के पाल नहीं सकता। अरे कम से कम पिता की इज्जत का तो थोड़ा ध्यान रखती। अब तू इसके साथ रहेगी या मेरे साथ, फैसला तेरा है। राम खिलावन की ये बात बोलने पर निधि रोती हुई कहती है, पिताजी मैं आपके खिलाफ नहीं जा रही हूँ, मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ, आप एक बार उसे मौका तो दीजिए, मैं और वो हमेशा खुश रहेंगे। निधि बहुत विनती करती है और उस पर तरस खाकर राम खिलावन निधि और राहुल को एक मौका देता है और कहता है, ठीक है मैं तुझे एक मौका देता हूँ, लेकिन अगर तू और ये लड़का मौके में सफल ना हुए तो अंधा रूला जैसा भी लड़का मिलेगा उससे तुझे शादी करनी होगी, समझी तू? ठीक है, लेकिन हमको करना क्या होगा, आप ये बता दीजिए। तुम दोनों को ये साबित करना होगा कि तुम दोनों कोई भी काम कर सकते हो और अच्छे से गुजारा कर सकते हो, लेकिन याद रहे हलवाई का काम तुम में से कोई नहीं करेगा। फिर हम क्या करेंगे पिताजी, आप तो जानते हैं ना हम दोनों ने सालों से यही काम सीखा है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करोगे, बस खुद को साबित करो, वो भी तुम्हें एक महीने के अंदर करना होगा, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। राम खिलावन ये बोलकर चला जाता है और अब समय बीतता है और निधि और राहुल की चिंता भी बढ़ती जाती है। चार दिन बीत गए, अब हम क्या करें राहुल, हमने अब तक अपना कोई काम नहीं जमाया है। निधि तुम्हारे पिता ने मुझे काम से निकालने से पहले मेरा हिसाब कर दिया है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं किस चीज का काम चालू करूँ। चलो राम जी के दर्शन करते हैं, शायद वहीं से कोई रास्ता मिल जाए। निधि और राहुल राम भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं और वहीं पास में अयोध्या में राम मंदिर बनने की धूम मची हुई थी। तभी एक फास्ट फूड का स्टॉल देखकर निधि कहती है, राहुल कुछ दिनों में जिस मंदिर से हम निकले हैं उसमें कुछ दूरी पर जो नया राम मंदिर बना है ना, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी और कई लोग यहाँ घूमने भी आएंगे, अगर हम यहीं कुछ खाने का स्टॉल लगा ले तो हमारी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। पर निधि तुम्हारे पिता ने तो हलवाई का काम करने से मना किया है। जिसके बाद निधि उसे एक तरकीब बताती है, जिसे सुनकर राहुल के चेहरे की चिंता गायब हो जाती है। दोनों मिलकर स्टॉल लगाने की तैयारियां करने लगते हैं। जनवरी का महीना आ जाता है और अब अयोध्या में पर्यटक भी बहुत आते हैं और निधि राहुल की दुकान भी अच्छी चलने लगती है।
सच में तुम नहीं होती तो मैं कभी फास्ट फूड का स्टॉल लगाने की सोच भी नहीं सकता था। पर हम इस स्टॉल का नाम क्या रखें? ये आइडिया तुम्हारा है तो इसका नाम होगा अयोध्या की फास्ट फूड वाली। राहुल ये बोलकर निधि को गले से लगा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद निधि अकेले स्टॉल पर खड़ी थी और राहुल कुछ सामान लेने शहर गया था। तभी निधि के दिमाग में एक तरकीब आती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है, इससे तो हमारी स्टॉल और भी अच्छी चलने लगेगी। निधि इसके बाद पास की दुकान से कुछ सामान लाकर बहुत कुछ बनाने लगती है। और तभी राहुल भी जब अपनी स्टॉल पर कुछ घंटों बाद वापस आता है तो वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ देखकर हैरान रह जाता है। अरे मेरे स्टॉल पर इतनी भीड़ कैसे? देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है वहाँ पर। राहुल स्टॉल की तरफ जाने लगता है और तभी वहाँ राम खिलावन भी आ जाता है और वो दुकान पर आकर देखता है कि वहाँ कई तरह की मिठाइयाँ रखी थी, जिसे देखकर वो गुस्से में कहता है, ये सब क्या है? मैंने तुम दोनों को मना किया था ना कि तुम दोनों मिठाई नहीं बेच सकते, तो तुम लोगों ने साबित कर दिया कि तुम काबिल नहीं हो, नियम तोड़े तुमने। पर सुनिए तो मालिक। पर वर कुछ नहीं, मैं समझ गया हूँ, निधि भी अकेले कुछ नहीं कर सकती है और मुझे इसकी शादी ऐसे लड़के से करवानी चाहिए जो इसका ध्यान रखे और इसे कुछ करना ना पड़े। पिताजी एक बार मेरी बात तो सुनिए और आप ये खाकर तो देखिए, फिर आपका जो भी फैसला हो हमें मंजूर होगा। निधि की बात सुनकर उसके पिता जैसे ही मिठाई खाकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो मिठाइयाँ मीठी नहीं, कुछ तीखी थी, कुछ नमकीन तो कुछ चटपटी, जिन्हें खाकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरे ये सब क्या है? वही तो मैं भी बता रही हूँ पिताजी, ये मिठाई नहीं फास्ट फूड है, जिसका बस आकार और रंग रूप मिठाई जैसा है। ये मीठी नहीं है, मेरे मन में फास्ट फूड में कुछ अलग बनाने का ख्याल आया, क्योंकि हर कोई चौमिन, बर्गर, मोमोज ये सब खाकर उब गया था ना, तो मैंने ये बनाया। निधि की बात सुनकर राहुल भी बहुत खुश होता है और राम खिलावन कहता है, सच में मेरी बच्ची, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी होनहार है और समझदार भी, तूने मेरा दिल जीत लिया बेटा। मिठाई जैसा ये फास्ट फूड, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा अभी तक। अब मैं समझ गया हूँ कि तुम दोनों जिम्मेदार हो चुके हो और एक दूसरे का ध्यान रख सकते हो। राम खिलावन ये बोलता है और दोनों बच्चे उसका आशीर्वाद लेते हैं। वो दोनों की शादी को हामी भर देता है। कुछ दिनों के बाद अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है और उसमें कई बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं और उनमें से कुछ तो वो थी जो राहुल और निधि ने कभी सोची तक नहीं थी। उनकी स्टॉल के बाहर भारत के प्रधानमंत्री की गाड़ी भी उनका यूनिक स्टाइल देखकर रुकती है और एक सूट बूट वाला आदमी उतरकर निधि से फास्ट फूड खरीदकर गाड़ी में बैठे पीएम को देता है, जिसे पीएम खाते हैं और उनकी कार से उनका वही पर्सनल असिस्टेंट बाहर आकर निधि और राहुल से कहता है, सर आप पीएम जी को हमारा मैसेज देना कि जो काम उन्होंने हमारे देश के लिए किया है ना, वो सच में बहुत काबिले तारीफ था। वो हमारे राम जी को अयोध्या वापस ले ही आए और उन्होंने हमारे अयोध्या की और शोभा बढ़ा दी। हमें गर्व है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। जय हिंद। प्रोटोकॉल एंड ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन अभी सर आपसे मिलने नहीं आ सकते, पर उन्होंने ये मैसेज दिया है कि वो आपके इस काम से बहुत खुश है। सच में उन्हें आपका फास्ट फूड बहुत अच्छा लगा खाने में। उन्होंने आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई दी है। निधि और राहुल अब सैल्यूट करते हैं और पीएम का असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद निधि और राहुल वही मिलकर अपना फूड स्टॉल चलाते हैं और शादी के बंधन में भी बन जाते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ हर सुख और दुख की घड़ी में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। सावित्री अपनी सहेली मीनू के साथ कॉलेज से घर आ रही थी। तभी मीनू सावित्री के नाम का मजाक उड़ाने लगती है और सावित्री से कहती है, यार सावित्री, ये कैसा नाम है सावित्री, मतलब कितने पुराने जमाने का नाम लगता है ये। तुझे तो पता है ना कि मेरे पापा को मेरी माँ से कितना ज्यादा प्यार था, इसलिए उन्होंने मेरा नाम भी सावित्री ही रख दिया। अब उनको कौन समझाए कि इस नाम का कितना मजाक उड़ता है। हाँ तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन जब भी मैं तेरा नाम बोलती हूँ तो मुझे बहुत जोर से हंसी आने लगती है। मेरा नाम तो जो है सो है, अब कुछ बदला नहीं जा सकता, लेकिन तू देखियो मेरे पति का नाम ना बिल्कुल हीरो जैसा होगा, सुनकर ही ऐसा लगेगा कि कोई हीरो ही है। क्यों, तू क्या अपने पति का नामकरण करेगी अगर तेरी पसंद का नाम नहीं हुआ उसका। मेरी माँ मेरी शादी के लिए रिश्ता देख रही है, उन्हें कोई लड़का पसंद आ जाएगा ना तो वो तो मुझसे पूछे बिना ही शादी तय भी कर देंगी, इसलिए नामकरण शादी के बाद होगा। वैसे तेरे पति का नाम बिल्कुल तेरे नाम की तरह ही होना चाहिए, पुराने जमाने की तरह, तभी तो तुम दोनों में तालमेल अच्छा होगा ना।
दोनों एक दूसरे का नाम लेके हंसते रहोगे, है ना? नहीं नहीं, मेरे होने वाले पति का नाम तो सुन लियो, फिर बोलेगी कि कितना अच्छा नाम है। चल कोई बात नहीं, ये सब तो बात की बात है, अभी तो तेरा नाम सावित्री है। चल घर चलते हैं, वैसे भी इतना लेट हो गया है, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। तो एक काम करते हैं ना, पहले कुछ खाने चलते हैं, फिर वहीं से घर चले जाएंगे। सावित्री और मीनू वहाँ से कुछ खाने चले जाते हैं और वहाँ से सीधा घर चले जाते हैं। सावित्री की माँ ने उसके लिए एक बहुत ही अमीर घर का लड़का पसंद किया हुआ था, जिसे वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती थी। वो सावित्री से शादी के लिए पूछती नहीं है और शादी तय कर देती है, और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद सावित्री अगले ही दिन सब के लिए चाय नाश्ता बना कर लाती है और अपने पति यमराज और अपनी सास रुक्मणी को देती है। सावित्री अपनी सास से कहती है, माँ जी आपने क्या सोचकर मेरे पति का नाम यमराज रखा था? मतलब इस नाम का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा लगता है कि यमराज किसी मृत शरीर को लेने आ रहे हैं। क्या मृत शरीर? बहू यमराज बस नाम ही है, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे सच का यमराज हो, इतना क्या सोचना। नाम के लिए जैसे सबके नाम होते हैं वैसे ही इसका नाम है। माँ जी वो मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, लेकिन यमराज भी कोई नाम होता है भला, मैं अपनी सहेली को क्या बताऊंगी, वो तो हंसते हंसते पागल ही हो जाएगी ना, यमराज है मेरा पति। अरे तुम्हारा नाम भी तो सावित्री है, हमने तो कुछ नहीं बोला ना, फिर तुम्हें इतनी क्या परेशानी हो रही है? दोनों माँ बेटे को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझसे पूछो ना, यमराज पति को पाकर मेरा क्या हाल है, किसी दोस्त को ना ही पता चले वही अच्छा होगा मेरे लिए। अच्छा मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, बहुत लेट हो गया, वैसे भी शादी की वजह से इतनी छुट्टियाँ हो गई हैं, अब आगे मैं और छुट्टी नहीं ले सकता हूँ। हाँ चले जा, यहाँ पर अब कोई काम भी तो नहीं है, सारे मेहमान भी चले गए हैं अपने घर। यमराज इतना बोलकर अपने ऑफिस के लिए चला जाता है और सावित्री रुक्मणी अपने अपने कामों में लग जाती है। सावित्री को अपने पति का नाम बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब वो चाहे ना चाहे अब तो उसे यमराज पति मिल ही गया था, इसीलिए अब सावित्री अपने परिवार के साथ जैसे तैसे रह रही थी। कुछ दिनों बाद सावित्री घर का काम कर रही थी और उसकी सास की सहेली गीता आती है और उससे बोलती है, अरे रुक्मणी की बहू तेरी सास कहाँ है? आंटी जी नमस्ते, माँ जी तो घर का सामान लेने बाहर गई हैं। आप पहले ही बता देती ना कि आप आने वाली हैं, तो माँ जी घर पर ही रहती, कहीं बाहर ही नहीं जाती, लेकिन आपने कुछ बताया ही नहीं। अरे मैं तो बस ऐसे ही मिलने आई थी, कोई काम थोड़ी है मुझे। अच्छा फिर ठीक है, आप बैठो मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे रुक्मणी की बहू मैं तेरा नाम भूल गई, अपना नाम बताना, क्या नाम है तेरा? आंटी जी मेरा नाम सावित्री है, आपको मेरा ही नाम याद रखने में परेशानी होती है ना? अरे नहीं बहू, तेरा नाम और तेरे पति का नाम एक साथ अजीब लगता है। रुक्मणी की बहू का यमराज पति, पहले के समय में यमराज प्राण लेकर जाता था और वो तेरा पति है। आंटी जी आप ये क्या बोल रही हो, वो मेरे पति हैं, आप उनके बारे में कुछ भी मत बोलो, यमराज पति है तो क्या हुआ, कम से कम मुझे किसी बात की कोई कमी तो नहीं होने देते ना। मैं मजाक कहाँ बना रही हूँ, अरे तेरा नाम सावित्री है, जिसने पति के लिए यमराज से भी लड़ाई कर ली थी, और तेरे पति का नाम यमराज है, यमराज खुद तेरा पति है तो क्या गम है। जी आंटी जी आपकी ये बात तो बिल्कुल सही है, जिसका पति खुद ही यमराज हो उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है, लेकिन आप जरा संभल कर रहना, कहीं कुछ आपका ही ना बिगड़ जाए। मेरा क्या होना है, रुक्मणी की बहू का पति यमराज है, मेरा पति नहीं, मैं तो वैसे भी खुश हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, रुक्मणी आएगी तो बता दियो कि मैं उससे मिलने आई रही, ठीक है ना? इतना बोलकर गीता वहाँ से चली जाती है और गीता की बात से सावित्री को बुरा लगता है, क्योंकि उसने उसका काफी मजाक बनाया था, लेकिन वो उस समय चुप रह जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कई लोग सावित्री और उसके यमराज पति का मजाक बनाने लगते हैं, और जब ये सारी बातें सावित्री को पता चलती है तो उसका मुंह उतर जाता है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद रुक्मणी अपनी बहू को बुलाती है और कहती है, अरे सावित्री बहू का यमराज पति कहाँ है, मैंने उसको बोला था घर का सामान लाने के लिए। माँ जी अब आप भी बाकी लोगों की तरह ही मजाक बना रही हो। अरे मैं कहाँ मजाक बना रही हूँ, मैं तो बस तुझसे पूछ रही हूँ कि तेरा यमराज पति कहाँ है। माँ जी अगर वो मेरे यमराज पति है तो आपके बेटे भी तो है ना, इस हिसाब से तो आपको मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए ना, और मुझे नहीं पसंद आपका इस तरह मजाक बनाना।
बहू तू ना कुछ ज्यादा ही इस बात को बढ़ा रही है। अरे मजाक ही तो कर रही हूँ मैं, इतना क्या भड़क रही है? तेरे ही पति का नाम है यमराज, किसी पड़ोसी का नहीं है। मुझे पता है मेरे पति का नाम यमराज है, लेकिन यमराज ही क्यों? वैसे ही सब लोग मजाक बनाते हैं, मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती। और अब आप भी बोल रही हैं, तो मैं क्या बोलूं? देख बहू, दुनिया का तो काम ही है बोलने का। अब हर दिन किसी की बात को ऐसे दिल से लगाकर बैठने लगे तब तो हो गया ना। और वैसे भी तुझे खुश होना चाहिए, तुझे इतना अच्छा पति मिला है। माँ जी, मुझे खुशी है कि यमराज जी मुझे पति के रूप में मिले हैं, लेकिन आप खुद बताओ ना, आपकी सावित्री बहू का यमराज पति, ये सुनने में क्या अच्छा लगता है? नहीं ना। अच्छा, तो तुझे इस बात से परेशानी है, तो ठीक है, अब जो भी ये बोलेगा मैं उसे वही समझा दूंगी कि ऐसे मजाक ना बनाए, और ना ही अब आगे से मैं कुछ बोलूंगी। हाँ माँ जी, आप बोलोगी तब शायद कोई कुछ ना बोले। बहू ऐसा नहीं है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। तूने खुद ही अपने मन में अपने पति को सच का यमराज बना रखा है, तो लोगों की बातें तो तुझे बुरी लगनी ही है ना। तो खुद सोच एक बार कि तुझे मेरे बेटे से अच्छा कोई लड़का मिल सकता था? नहीं ना। तो तू ही जब उसे ऐसे बोलेगी तो लोग तो बोलेंगे ना। सावित्री को अपनी सास की बात समझ आती है और वो अब खुद ही अपने पति के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलती। कुछ दिनों बाद सावित्री की सहेली मीनू उससे मिलने उसके घर आती है। सावित्री के परिवार से मिलने के बाद मीनू सावित्री से कहती है, सावित्री ये क्या है, तू तो अपने पति का नामकरण करने वाली थी, तो नामकरण करने के बाद यमराज नाम रखा है क्या? अरे नहीं, उनका नाम ही यमराज है ना अच्छा सा नाम। हाँ, पिछले जन्म में यमराज ने सावित्री के पति के प्राण लिए थे, और इस जन्म में तूने यमराज को ही पति बना लिया। मीनू बस कर, मेरे पति है वो, तू उनके बारे में कुछ अच्छा बोल नहीं सकती, तो ये बकवास भी मत कर। तू ही तो बोलती थी ना। मैं जो भी बोलती थी वो पहले बोलती थी, लेकिन अब मुझे यमराज पति ही बहुत प्यारे हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं सुन सकती हूँ। सावित्री अपनी सहेली को जवाब देती है और चुप करवा देती है, और उसके बाद ऐसे ही अपने पति का हर छोटी बड़ी बात में साथ देती है। रेवती घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसकी नंद दिव्या उसके पास आती है और बोलती है, भाभी ये साल का आखिरी महीना है, इस महीने के बाद नया साल लग जाएगा। हाँ दिव्या, ये बात तो मुझे भी पता है, तो कुछ खास थोड़ी ना है इस साल में या अगले साल में। भाभी आप कैसे भूल गई, आपका ये शादी के बाद पहला नया साल होगा, तो अच्छे से मनाएंगे हम। वो तो ठीक है, लेकिन तुम तो माँ जी के स्वभाव को जानती ही हो ना, उन्हें घर में शोर शराबा कहाँ अच्छा लगता है, मेरे पहले न्यू ईयर के चक्कर में माँ जी गुस्सा ना हो जाए। भाभी हम कुछ नहीं करेंगे ना, तो भी माँ गुस्सा होगी, तब माँ बोलेगी कि मेरी बहू का पहला न्यू ईयर था और उसमें भी हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ सोचते है ना क्या करना है इस बार। हर साल तो वैसे भी न्यू ईयर मनाते ही है ना, मेरा तो कुछ खास मन भी नहीं कर रहा है न्यू ईयर मनाऊं। पता नहीं कैसे आपका पहला न्यू ईयर मनाने का मन नहीं कर रहा है, अगर मेरे शादी के बाद पहला न्यू ईयर होता ना, तब तो मैं पूरे मोहल्ले में ढोल बजवा देती, धूम धड़ाका होता। यही तो फर्क है मुझ में और तुम में, मुझे मनाना नहीं आता है और तुम अभी से मनाने के लिए तैयार बैठी हो। कोई बात नहीं, आपको नहीं मनाना है तो मत मनाओ, घर में रौनक को देख कर ना आपको खुद मन होगा, लगेगा कि अरे ये तो मेरा पहला न्यू ईयर है और भी कुछ खास होना चाहिए, बस आप मना मत करना, ठीक है? अरे बाबा ठीक है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, तुम्हारा जो मन हो वो कर लेना, अब तो ठीक है ना? वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे शांत एक कोने में भी मत बैठो, कम से कम कुछ आइडियाज दे दो हमें न्यू ईयर पर, और क्या नया कर सकते हैं जो किसी ने सोचा भी ना हो। अब ये सोचने का काम मुझे तो मत ही दो, मेरा काम था किसी को ना रोकना, तो मैं अपना काम बखूबी करूँगी, और तुम्हारा काम है मेरा पहला न्यू ईयर की तैयारी करना, तो तुम वो करो। दोनों नंद भाभी बात कर रहे होते हैं, इतने में रेवती का पति कुणाल वहाँ आता है और दोनों की बात सुनकर अपना आइडिया देते हुए कुणाल बोलता है, अरे दिव्या सही सोचा तुमने, हमें ना अपने घर में न्यू ईयर मनाना ही चाहिए, क्यों ना हम अपने घर में ना वेस्टर्न स्टाइल में धमाकेदार पार्टी रखे, अपने सभी दोस्तों को बुलाएंगे। आइडिया तो बहुत ही मस्त है, लेकिन माँ का क्या करेंगे, माँ को पार्टी के लिए मनाना बहुत मुश्किल रहेगा, हमारे लिए तो ये वेस्टर्न स्टाइल पार्टी कैसी होगी। दिव्या इतना बोलती ही है कि इतने में वहाँ रेवती की सास और उसकी माँ साधना आ जाती है। साधना के आते के साथ ही वहाँ से सब अपने काम में लग जाती हैं, क्योंकि साधना बहुत ही सख्त मिजाज की थी, उसे जरा भी शोर शराबा पसंद नहीं था, इसीलिए साधना के आगे कोई भी बेफिजुल का हंसी मजाक नहीं करता है। धीरे धीरे दिन निकल रहे होते हैं, लेकिन न्यू ईयर की पार्टी का कोई प्लान नहीं बनता है,
कुछ दिनों बाद साधना घर में बैठी होती है, तभी वहाँ रेवती आती है और बोलती है, माँ जी नया साल आ रहा है तो दिव्या और कुणाल जी बोल रहे थे घर में थोड़ी साज सजावट हो जाए। बहू, नया साल तो हमेशा ही आता है, क्या साज सजावट करना। हाँ माँ जी, मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आपके दोनों बच्चे कहाँ मान रहे हैं, उन्हें कौन समझाए। रेवती ने इतना बोला ही होता है कि तभी वहाँ दिव्या आ जाती है और बोलती है, माँ भाभी सही बोल रही है, न्यू ईयर तो मनाना ही चाहिए ना। अरे नए साल का पूरे मन से स्वागत करना चाहिए और पुराने साल को पूरी खुशियों से विदा करना चाहिए ना। तुझसे एक काम तो होता नहीं है, तो नए साल के स्वागत के लिए जो मेहनत करनी होगी वो कर लेगी तू। माँ वो सब तो भाभी कर लेंगी ना, और सबके घर छोटी सी पार्टी तो होती है ना नए साल की, और हमने तो अभी तक भाभी के आने की भी पार्टी नहीं दी है, तो एक पार्टी में दोनों काम निपट जाएगा ना। हाँ ये बात तूने बिल्कुल सही की है ना, मैं भी सोच ही रही थी कि पार्टी दे दूँ सबको बुलाकर। हाँ माँ तो बताओ, आप मुझे कपड़े दिलाने कब लेकर जा रही हो पार्टी के लिए, मैं नए कपड़े लूँगी। लो अभी तक तो तू बहुत बोल रही थी कि भाभी का पहला न्यू ईयर है तो उनके आने की पार्टी भी नहीं दी, तो ये सब पहले अपनी भाभी के लिए करेगी या खुद के लिए। माँ जी घर में पार्टी होगी तो सभी लोगों को अच्छे कपड़े तो पहनने ही होंगे ना, दिव्या के लिए भी लेने ही होंगे। हाँ तो मैंने कब मना किया है, लेकिन पार्टी करनी कैसे है पहले ये तो तय करो। इसमें तय क्या करना है, जैसे पार्टी होती है वैसे ही करेंगे ना, नाच गाना होगा, खाना पीना होगा। नहीं दिव्या, मुझे ऐसे तो पार्टी बिल्कुल भी नहीं करनी है, पर बहू का ससुराल में पहला न्यू ईयर है तो अब ये जिम्मेदारी बहू की ही है कि इस नए साल को कैसे सबके लिए यादगार बनाती है। ठीक है माँ जी, मैं पहले ये काम निपटा लूँ फिर ये सब देखते हैं। साधना ने न्यू ईयर की जिम्मेदारी अपनी बहू पर देकर छुट्टी कर ली थी। अब तो न्यू ईयर करीब आ ही गया था, लेकिन रेवती ने अब तक न्यू ईयर की कोई तैयारी नहीं की थी। ये देखकर दिव्या अपनी माँ और भाभी दोनों को बुलाती है और बोलती है, माँ आपने भाभी पर जिम्मेदारी दी तो है, अब न्यू ईयर आने में ज्यादा समय नहीं है, तैयारी कब होगी। हाँ बहू, दो दिन बाद नया साल आ जाएगा और घर में ना ही कोई सामान आया है और ना ही किसी बात के लिए तूने सलाह मशवरा लिया है, तैयारियाँ हो भी रही है या नहीं। माँ जी चल ही रही है तैयारी, और आप इसकी चिंता मत करो, मैंने इस न्यू ईयर की प्लानिंग बहुत ही अच्छी की है, आप सबको पता ही चल जाएगा दो दिन में, और सबको बहुत पसंद भी आएगा। भाभी वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें एक बार बता दो, हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं ना। नहीं मुझे कोई मदद भी नहीं चाहिए, बस इतना करना आप सब लोग इस साल की आखिरी रात को तैयार हो जाना, मैंने बहुत ही अच्छा कुछ सोचा है। और हाँ अभी बता रही हूँ, कोई वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनेगा। लेकिन भाभी पार्टी तो बहुत बड़ी होगी ना, तो आप अकेले कैसे सब संभालेंगी, किसी की मदद तो लगेगी ना, है ना माँ, मैं सही बोल रही हूँ ना। मुझे बहू पर पूरा भरोसा है, वो कर रही है तो कुछ अच्छा ही करेगी, अकेले सब संभाल लेगी। हाँ माँ जी, और आप अपना विश्वास बनाए रखना, मैंने बहुत ही अच्छा सरप्राइज सोचा है। ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। रेवती इतना बोलकर चली जाती है। रेवती का पहला न्यू ईयर सबके लिए सरप्राइज की तरह होता है, सभी लोग न्यू ईयर की बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। दो दिन बाद साल की आखिरी रात को सभी लोग तैयार होकर आते हैं और रेवती सबको अपने घर के बाहर लेकर जाती है, जहां माता की चौकी लगी होती है और जागरण हो रहा होता है। ये सब देखकर साधना बहुत खुश हो जाती है। साधना कुछ बोलती इससे पहले उसकी पड़ोसन लीला आकर बोलती है, सच में साधना तेरी बहू ने कितना अच्छा इंतजाम किया है, बहुत ही सुंदर है। मुझे तो लगा ये जागरण कोई और करवा रहा है, लेकिन मुझे क्या पता था ये मेरी बहू का ही प्लान है। और नहीं तो क्या माँ जी, पार्टी तो सभी करते हैं, लेकिन माता जी के साथ न्यू ईयर बहुत कम ही लोग मनाते हैं, इसलिए मैंने खास आपके लिए रखा है, आपको अच्छा लगा ना माँ जी। बहू इससे अच्छा न्यू ईयर तो हो ही नहीं सकता, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसे भी कुछ हो सकता है। सच में तेरी बहू का पहला न्यू ईयर तो सभी के लिए यादगार है, हमें तो पता भी नहीं था कि न्यू ईयर में ऐसा भी कुछ हो सकता है। हाँ बहू का पहला न्यू ईयर तो हर किसी के लिए ही यादगार हो गया। चलो अब जागरण में भी बैठते हैं, यहीं खड़े खड़े नया साल मनाना है क्या। लेकिन भाभी हम लोगों ने न्यू ईयर की पार्टी के लिए बोला था, लेकिन आपने तो माता का जगराता कर दिया। अरे मैं मना नहीं कर रही हूँ जगराते के लिए, लेकिन पार्टी का क्या हुआ, वो नहीं होगी क्या। अरे ऐसे कैसे नहीं होगी पार्टी, देखो दिव्या आज रात हम जागरण एंजॉय करेंगे और कल दिन में पार्टी भी रखी है,
सच में भाभी? हाँ सच में, मुझे पता था कि आप सबको जागरण में अच्छा नहीं लगने वाला है, तो पार्टी भी होगी ना। सभी लोग जगराते में नाचते गाते हैं, अरदासें लगाते हैं और अगले दिन रेवती पार्टी की तैयारियां करती है, जिसमें भी काफी ज्यादा लोग आए होते हैं। वो पार्टी भी बहुत अच्छी होती है। ये सब देखकर रेवती के पास कुणाल और दिव्या दोनों आते हैं और कुणाल बोलता है, अरे वाह रेवती, तुमने ना हम दोनों की शादी के बाद ना पहले जो न्यू ईयर है ना उसे बहुत ही ज्यादा अच्छी कर दी। हाँ भाभी, कल रात तक तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कुछ नहीं होगा, लेकिन अब जब पार्टी देखी तो बहुत ही अच्छी है। क्यों, पसंद आई ना आप दोनों को? पसंद? अरे बहुत ज्यादा पसंद आई है। तुमने तो अपनी और हम सबकी ना न्यू ईयर को बहुत ज्यादा यादगार बना दिया। आज तक ना कभी भी न्यू ईयर पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रेवती का शादी के बाद पहला न्यू ईयर बहुत ही अच्छा जाता है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ये सब देखकर रेवती भी बहुत खुश होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।